नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत एक तमिल फिल्म से की थी। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म सपनों के सौदागर थी। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। हेमा मालिनी की पहली सफल फिल्म जॉनी मेरा नाम थी, जो वर्ष 1970 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में सह अभिनेता देवानंद थे। यह फिल्म सुपरहिट रही थी। हेमा मालिनी की दूसरी सुपरहिट फिल्म सीता और गीता थी। इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने दो जुड़वा बहनों का रोल निभाया था। हेमा मालिनी का विवाह अभिनेता धर्मेंद्र से हुआ था। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध है। हेमा मालिनी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। हेमा मालिनी को सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी का फिल्मों में योगदान रहा है। 1971 में हेमा को रमेश की फिल्म अंदाज में मिला था। उसके बाद 1972 में ही हेमा मालिनी को रमेश की फिल्म सीता और गीता में काम मिला। इस मूवी ने हेमा को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म में हेमा मालिनी को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 1975 में फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने बीरू और हेमा मालिनी ने बसंती का रोल अदा करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी इतनी अधिक पसंद आई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनकी हमसफर बन गई। शादी के बाद दोनों ने चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, रजिया सुल्तान, अली बाबा और 40 चोर, बगावत, आतंक, द वर्निंग ट्रेन आदि में काम किया है। हेमा मालिनी की हिट फिल्में सपनों का सौदागर 1968 में आई, जॉनी मेरा नाम 1970, तेरे मेरे सपने 1971, बाबुल की गलियां 1972, हाथ की सफाई 1974, शोले, अपना कानून, द वर्निंग ट्रेन, मेहरबानी, फर्ज और कानून, फांसी के बाद, दो दिशाएं, दो ठग, दिल आसना है, कहते हैं मुझको राजा, बागवान, अमन के फरिश्ते आदि फिल्में हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।